नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल जब हमारे 20 दिन की अवस्था में आ जाए तो हमें उसमें कौन से खाद और फर्टिलाइजर डालने चाहिए किसान भाइयों, ताकि हमारी धान की फसल में फुटाव अधिक हो, कल अधिक आए, जिससे हमें आगे जाकर उसकी बम्फर पैदावार मिल सके। जो किसान भाइयों एक्सपर्ट किसान होते हैं या जो अमीर किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी धान की फसल में 20 दिन की अवस्था में एक ऐसा खाद डालते हैं, ऐसा फर्टिलाइजर डालते हैं जिन्हें वो किसी को नहीं बताते। वो अपना सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि यदि कोई दूसरा किसान उसे डालेगा तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए वो बताते नहीं किसान भाइयों। परंतु आज के वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बारे में किसान भाई मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, जब हमारे धान की फसल 20 दिन के आसपास की हो जाती है तो उस समय फसल को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कल्ले भी निकालने होते हैं, पौधों की बढ़वार भी होती है और जड़ों का विकास भी करना होता है किसान भाइयों। तो इस अवस्था में किसान भाइयों हमें उसमें ऐसे खाद और फर्टिलाइजर डालने चाहिए जो हमारी फसल को पूरे न्यूट्रिएंट दे सके। तो मैं आपको ऐसे दो खाद और दो फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप अपनी फसल में डालते हैं तो फुटाव बहुत ज़्यादा होगा किसान भाइयों। किसान भाई, ये जो फसल हमारे धान की 20 दिन की फसल हो चुकी है, तो इसके अंदर से कोई भी कल्ला नहीं है, आप देख सकते हैं ये सिंगल पौधे हैं, लेकिन ये कल्ला नीचे से आया किसान भाइयों। दूसरा, ये देखो कितना स्वस्थ पौधा है, परंतु इसके अंदर कोई भी फुटाव अभी तक नहीं आया किसान भाइयों। तो इनके अंदर से हमें फुटाव निकालना है, इन्हें पूरे पोषक तत्व देते हैं, क्योंकि पूरे पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे तो इसके अंदर से फुटाव अधिक आएगा किसान भाइयों, जिससे हमें फसल की पैदावार भी बम्पर मिल जाएगी किसान भाई। किसान भाई, आपको धान की फसल में जो खाद डालने, जो फर्टिलाइजर डालने, जो आपको मार्केट से लेकर आने, वो ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे और आपको बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाएंगे किसान भाइयों। और इन डालने के बाद में आपको अपनी फसल में कोई भी वस्तु डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई कीटनाशक या फंगिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं किसान भाइयों। यदि कीटों का ज़्यादा अटैक होता है या फसल में ज़्यादा बीमारी आती है तो आप उसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए किसान आपको मार्केट से लेकर आना, आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब से लेकर आनी है नाइट्रोजन, जो यूरिया आती है, ये आपको एक बैग लेकर आनी है किसान भाइयों। इसके साथ किसान आपको दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है, ये आपको करनी है फिटकरी। जो फिटकरी हम दवाई में यूज करते हैं या घरों में यूज करते हैं, कुल्ली वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपको 2 से 2.5 किलो लेकर आनी है किसान भाइयों। और इस फिटकरी को आप कूट पीस लें, अच्छे से बारीक कर लें, इसका पाउडर बना लें किसान भाइयों। तीसरा प्रोडक्ट इसमें आपको लेना किसान भाइयों, जो सरसों की खली आती है, इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है किसान भाइयों। इसे भी आप कूट लें, बारीक कर लें, पीस लें और इन तीनों को अच्छे से आप मिला लें। मिलाने के बाद किसान भाइयों आप अपने फसल में बखेर दें या फेंक दें, और बखेरने के बाद किसान भाइयों आप उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई हल्की करें ताकि पानी का भराव ज़्यादा ना हो, लगभग 2 से 3 इंच पानी आपको भरना चाहिए किसान भाइयों। इसे लगाने के बाद किसान भाइयों आपकी जो फसल है लगभग 4थे दिन से ही रंग देना स्टार्ट कर देगी, कल्ले देना स्टार्ट कर देगी। आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है लगभग 10 से 12 दिन में पूरी तरीके से कल्लों से भर जाएगी किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम आपको बता दें कि ये जो आप खाद डालेंगे, जो फर्टिलाइजर डालेंगे, ये आपकी फसल में क्या कार्य करेंगे और कैसे कार्य करेंगे। तो जो हमने नाइट्रोजन लिया किसान भाइयों, तो जो हमारे पौधों के अंदर फुटाव होता है, ये पुराने पौधे होते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है बहुत तेजी से और उसके अंदर हरापन लाता है, क्लोरोफिल बढ़ाता है। जो हमने फिटकरी का प्रयोग करा किसान भाइयों, फिटकरी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है और अच्छा एक फंगिसाइड भी है। फिटकरी जो हम फसल में डालते हैं किसान भाइयों, तो जो हमारे छोटे पौधे फुटाव करते हैं तो ज़्यादा पानी भरने की वजह से ये कभी कभी गल जाते हैं, तो फिटकरी इन्हें गलने नहीं देती है और इनमें तेजी से फुटाव करती है किसान भाइयों, जिससे हमारी फसल के अंदर कोई भी गलन न आएगी, कोई फंगस नहीं लगेगी किसान भाइयों और हमारे पौधों को फंगस से सुरक्षित रखेगी। दूसरा, हमारी फसल के अंदर यदि दीमक है या कोई नीचे का कीट है, सुंडी वगैरह है, तो उसे भी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है किसान भाइयों। जो हमने सरसों की खली का प्रयोग करा किसान भाइयों, जी हमारी फसल में जब हम बखेरते हैं तो पूरी जगह एक परत बना देती है, जिन जमीनों में पानी नहीं रुकता उन्हें अच्छे से पानी रोक देती है। और पानी रोकने के बाद में पौधों को जब धूप पड़ती है, हमारी फसल में पानी भरा होता है, धूप पड़ती है, तो जो खल होती है सूरज के प्रकाश में बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकलती है, जब क्रिया करती है, गर्म होती है तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके अंदर से निकलते हैं किसान भाइयों, जिससे हमारे पौधों को पूरी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट प्राप्त हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से चलती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई आप इस खाद को अपनी फसल में डालते हैं, अपनी फसल में लगाते हैं, तो आप धान की फसल से बढ़िया और बम्फर उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों, और आपकी फसल में फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक आएंगे। जब हमारी फसल में कल्ले अधिक आएंगे, फुटाव अधिक होगा, तो हमारी फसल की पैदावार आगे जाकर बहुत अच्छी रहेगी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है किसान भाई, आप वहाँ से ले सकते हैं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।